फ्रेंड्स इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। फ्रेंड्स यदि आप भी किसी ऐसे कंपनी में काम करते हैं जो कि एक एग्जेम्प्टेड कंपनी है, फ्रेंड्स एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट का मतलब यह है कि जो आप जो कंपनी आपका जो पीएफ का पैसा है वो खुद ही मैनेज करती है। अब फ्रेंड्स ऐसे में यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो भी पीएफ है यदि मैं ट्रांसफर करूं तो कितने दिन लग जाते हैं एक अनएग्जेम्प्टेड कंपनी में ट्रांसफर करने में, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे में काफी लोग जॉब भी चेंज करते रहते हैं और जॉब चेंज करते हैं तो उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि यदि उनको पैसे की जरूरत पड़े तो वो पुरानी कंपनी से कितने दिनों बाद पैसे उठा पाएंगे, वो कितने दिनों बाद पैसे ले पाएंगे। तो पूरे प्रूफ के साथ हम जानेंगे कि यदि आप ट्रस्ट कंपनी में पहले काम कर रहे हैं और बाद में बिना ट्रस्ट वाली कंपनी में काम कर रहे हैं और जब आप पैसे ट्रांसफर करेंगे तो टोटल कितने दिन लगने वाले हैं, पूरे प्रूफ के साथ जानेंगे। यदि आप भी जाना हो लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में आज की ब्लास्ट तक बने रहिए, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले वाला है। फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले हम यूनिफाइड पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद से ऑनलाइन सर्विसेज पे जाएंगे और उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे चले जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी ट्रांसफर क्लेम है इन एम्प्लॉय ने कितने कंपनियों का और किस किस कंपनी में किया है, फिर हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबसे नीचे की साइड आ जाएंगे ना, तो पहला तो होता है आपका यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम स्टेटस, तो ऑनलाइन क्लेम स्टेटस तो नहीं देखना है आपको, यहाँ पे ट्रांसफर क्लेम स्टेटस देखना है। तो ट्रांसफर क्लेम स्टेटस में इन्होंने दो बार ट्रांसफर किया है। अभी जो हमारी दूसरी नंबर की कंपनी है ना, यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं 714 से 373 में जो ट्रांसफर हुआ है ना, हम इसे देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो कंपनी है ना, ये जो कंपनी है जिसका पैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ये कंपनी ट्रस्ट वाली है, एग्जेम्प्टेड कंपनी है, और यहाँ पे ये जो दूसरी कंपनी है ना अनएग्जेम्प्टेड कंपनी है, ये विदाउट ट्रस्ट वाली है, यानी कि इसका जो पैसा है ना वो पीएफ ऑफिस मैनेज करता है, और इस वाले कंपनी का है ये जो ट्रस्ट वाली कंपनी है वो खुद ही मैनेज कर रही थी। तो अभी हमें यही देखना है कि ट्रस्ट वाली कंपनी से जो विदाउट ट्रस्ट वाली कंपनियां हैं यानी कि अनएग्जेम्प्टेड कंपनियां हैं उसमें पैसा आने में कितना समय लगता है। तो देखिए यहाँ से हम पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि ये जो क्लेम है वो कब किया गया था। तो चलिए सब कुछ मैं दिखाता हूँ, सारा स्टेप भी दिखाऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मिस हो जाएंगी और आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन कुछ ना कुछ पैदा कर देंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लेम का डेट है ना वो डेट आपको देखने को मिल रहा है 29/5/2020 यहाँ पे शो कर रहा है। अब फ्रेंड्स ये वो डेट होता है जब कि आप यूनिफाइड पोर्टल पे अपना क्लेम करते हो। उसके बाद से एक और यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा, अभी देखो ये पीडीएफ फाइल दिखाने से आपको एक और फायदा हो जाएगा, दो अलग अलग डेट यहाँ पे दिखेंगी। देखिए अब जो पीएफ का पासबुक वाला पोर्टल होता है ना उस पे हम चलते हैं, यहाँ पे पासबुक वाले पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ पे अपना यूएन नंबर और पासवर्ड एंटर कर लेंगे और उसके बाद से ये जो कैलकुलेशन है ना वो आपको एंटर करना है और लॉगिन कर देना है। फ्रेंड जैसे आप लॉगिन करेंगे तो अभी फिलहाल में हमने लॉगिन कर लिया है और इस तरीके से आपके साथ भी इंटरफेस आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, हमने क्या देखा था वहाँ पे, सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि मैंने एक चीज़ यहाँ पे बताया था ना कि एक कंपनी आपकी ट्रस्ट वाली है और दूसरी विदाउट ट्रस्ट वाली है। जैसे ये वाली ट्रस्ट वाली है ना तो ये LD 714 है ना, तो 714 को मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि ये ट्रस्ट वाली कंपनी है। 714 वाले को सेलेक्ट किया और व्यू पासबुक जैसे करेंगे तो यहाँ व्यू पासबुक ही नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि जो आपकी ये कंपनी है वो ट्रस्ट वाली है, इसका जो पूरा पैसा है वो मैनेज कर रही है आपकी ट्रस्ट वाली कंपनी, क्योंकि जो ईपीएफओ है पासबुक तभी दिखाता है जब इसके पास पैसे कोई कंपनी जमा करती है, और इसके पास तभी ईपीएफओ के पास तभी पैसा जमा होता है जब वो अनएग्जेम्प्टेड कंपनी होती है। फिलहाल में ये जो कंपनी है वो एग्जेम्प्टेड कंपनी है, आप पढ़ भी सकते हो, पासबुक नॉट अवेलेबल टू दिस मेंबर आईडी एज दिस पार्टेन टू एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे ट्रस्ट लिखा हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स अब ये आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ट्रस्ट वाली कंपनी है। हालांकि इसका एक और प्रोसेस है कंफर्म करने का, इसके लिए आपको सर्विस हिस्ट्री में आना है। सर्विस हिस्ट्री में जैसे ही आएंगे तो वहां से भी पूरा डिटेल देख सकते हैं कि जो आपकी कंपनी है वो ट्रस्ट वाली है या नहीं है। तो हालांकि यहाँ पे चार कंपनियों का डिटेल है लेकिन हम देखेंगे केवल दो कंपनी का देखेंगे, क्योंकि हमें दो कंपनियों से ही काम है, तो फिलहाल में डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, डिटेल्स भी हो। देखिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आप इरिटेट हो रहे हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ज़्यादा लंबी वीडियो लग रही है। हालांकि फ्रेंड्स सारा कुछ यदि समझाना है तो एक एक पॉइंट को कवर करना जरूरी है, मैं प्रयास करूंगा कि सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स में ये वीडियो आपको दूँ, प्रदान करूँ। देखिए फ्रेंड्स अभी क्या है कि हमें जो भी दो कंपनियों का डिटेल देखना था ना, अब मैं यहाँ पे एक तो 714 एक तो 373, तो दो कंपनियों का डिटेल देखते हैं, एक तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। देखिए ये दोनों कंपनियां बाय द वे एक साथ ही हैं,
देखिए यहाँ पे 3 नंबर की जो कंपनी है वो 714 है, इसमें जो आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे पीएफ का एग्जम्पशन है, पीएफ का एग्जम्पशन आपको एग्जम्प्टेड दिख रहा है। जहाँ भी आपका पीएफ का एग्जम्पशन एग्जम्प्टेड दिखता है वो कंपनी ट्रस्ट वाली होती है, क्योंकि उसका जो पैसा है वो ट्रस्ट ही मैनेज करता है, वो खुद कंपनी मैनेज करती है। बाकी यहाँ पे ईडीएलआई आपका अननोन ही रहता है, यानी कि ये अनएग्जम्प्टेड कंपनी रहता है और पेंशन भी अननोन ही रहता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट और एग्जिट डेट आप देख सकते हो। बाकी जो दूसरी कंपनी है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो 373 वाली, जो कि मैं बता रहा था आपसे कि ये इसका जो पीएफ का एग्जम्पशन है आप देख सकते हो अननोन है। अननोन का मतलब कि ये अनएग्जम्प्टेड कंपनी है, इसका जो पैसा है वो ईपीएफओ खुद ही मैनेज कर रहा है। तो थोड़ा सा ये डिटेल हो गया, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी होगी। अभी देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि व्यू क्लेम स्टेटस जैसे देखेंगे ना कि आपने कब क्लेम किया था। तो यहाँ पे देखिए 31 मई यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए 31 मई। अभी क्या हमारा पीडीएफ में क्या शो कर रहा था, पीडीएफ में शो कर रहा था यहाँ पे 29/5। तो देखिए ये डेट वेरिएशन इसलिए है कि ये जो डेट होता है जब आप क्लेम अप्लाई ऑनलाइन करते हो तब का डेट होता है। और फ्रेंड्स जब ये डेट, जब ये जो आपका ट्रांसफर क्लेम है वो आपके पीएफ के ऑफिस पे पहुंच जाता है, तो जहां पे जब जिस टाइम पहुंचता है ना, जिस डेट को पहुंचता है वो डेट यहां पे शो करता है, वो डेट यहां पे शो करता है। तो इसलिए ये 2 दिन का अंतर है, हालांकि इससे कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या है कि आपने ट्रांसफर क्लेम आउट का किया था, तो आप देखिए 31 मई को ही काउंट कर लीजिए या 29 मई को आप काउंट कीजिए, अब आपके ऊपर है। तो देखिए मान लेते हैं कि इनका 31 मई को इनका ट्रांसफर हुआ था, बाकी ये यहाँ पे सेटल तो 2 जून को ही हो गया था, लेकिन इसमें जो आपका नया जो कंपनी होती है, नए कंपनी में पैसा पहुंचने तक का कितना टाइम लगता है, देखिए लगभग 1 महीने बाद ये आपका ये अप्रूव्ड भी हो गया, लेकिन और या अप्रूव्ड होने के बाद यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है कि आपका जो पैसा है वो सेटल हो चुका है 2 जून को, और अमाउंट और जो भी सर्विस का ट्रांसफर है, सर्विस हिस्ट्री का ट्रांसफर है वो आपकी नई वाली कंपनी में हो गया। देखिए यहाँ पे 373 है, इसमें हो गया, ये नई वाली कंपनी है आपकी। यहाँ समझ लेते हैं कि कुछ लोग यहाँ भी ध्यान दे देंगे, भैया काफी समझदार लोग कहेंगे कि भैया टोटल अमाउंट तो 0 रुपया ही हुआ। तो देखिए 0 रुपया यहाँ पे हुआ, इस पे ध्यान मत दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी हम ये पीएफ ऑफिस के पास तो कोई रिकॉर्ड अभी तक है ही नहीं कि कितना पैसा आपके ट्रस्ट वाली कंपनी के पास है। जब ट्रस्ट वाली कंपनी आपका पैसा एक एनेक्जर के माध्यम से पूरा डिटेल बना के देगी कि इतना पैसा है आपका, तो ही पता चलेगा। हाँ ये 0 इसलिए है, 0 सर्विस हिस्ट्री के लिए है, क्योंकि जो पीएफ डिपार्टमेंट है ना उसके पास जो कंपनियां होती हैं वो पेंशन जमा करती हैं, तो पेंशन का सर्विस हिस्ट्री यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, 0 कैलकुलेट होता है। अब फ्रेंड्स आपका जो पैसा है ना वो अब हम देख लेते हैं कि कितना आया है और कब आया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसके लिए अब हम व्यू पासबुक देखेंगे जो 73 वाली कंपनी है, क्योंकि पुरानी वाली कंपनी का तो हमने सारा कुछ देख लिया है कि कब ट्रांसफर किया है पुराने वाली कंपनी ने। अब देखिए व्यू पासबुक करेंगे ना तो अब देखेंगे कि अब पासबुक में कब एड हुआ है। हमें तो यही जानना है कि कब तक पैसा आपका ट्रांसफर हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 20/8/2031 को यानी कि 8वें महीने में हुआ है और 5वें महीने में हमने ट्रांसफर किया था, तो लगभग 3 महीने का पूरा टाइम लग गया है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 714 आप याद रखिए, अब सारा डिटेल तो नहीं दिखा सकता लेकिन 714 आप याद रखिए, 714 वाली कंपनी जो ओल्ड कंपनी है, देखिए ओल्ड मेंबर आईडी जो 714 यहाँ पे ट्रस्ट वाली कंपनी थी उसका, देखिए उसमें पैसा बना था इतना, देखिए कितना पैसा बना था, 51,029 रुपये बना था आपका एम्प्लॉय शेयर, और आपका एम्प्लॉयर शेयर बना था 15,601 रुपये। अब बाकी पेंशन में तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि पेंशन तो था ही नहीं उसके पास, पेंशन तो आपके पीएफ ऑफिस के पास ही रहता है, ट्रस्ट वाली कंपनी हो या बिना ट्रस्ट वाली, पेंशन का पैसा पीएफ ऑफिस में जमा ही करना पड़ता है। बाकी ये जो आपका इम्प्लॉय शेयर और इम्प्लॉय शेयर यानी पीएफ का जो पैसा है, पीएफ का डिपॉजिट्स वाला कॉलम, इसका पैसा ट्रस्ट वाला जो कंपनी है वो मैनेज करती है। तो अब उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, लगभग 3 महीने लग गए हैं, तो हमें पूरा यही जानना था कि कितना टाइम लग जाता है। इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, देखिए कब हमने क्लेम किया था, क्लेम किया था, क्लेम के लिए हम 14 वाले में चले जाएंगे, 14 वाले में से क्लेम किया था हमने यहाँ पे 31 मई 2020 को किया था, और कब ट्रांसफर हुआ तो जिस पासबुक में ट्रांसफर होगा उसी पासबुक को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है कि ये जो पैसा आपका ट्रांसफर हुआ है वो हुआ है आपका 3 महीने बाद,
तो फ्रेंड्स आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आप समझ पाए होंगे कि कितने दिनों बाद ये जो भी पैसा है आपके ट्रस्ट वाली कंपनी से बिना ट्रस्ट वाली कंपनी में ट्रांसफर हो जाता है बड़े आसानी से। फ्रेंड्स यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो भी ट्रस्ट में पैसा जमा है कि नहीं है, कितना जमा था, इसके लिए हम कैसे जानते हैं, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, डेडिकेटेड वीडियो। उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या फिर एक ट्रस्ट वाली जो कंपनियां है ना इसे रिलेटेड जितने भी वीडियोज है मैंने बनाया है, इसका अलग ही प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड कर दूंगा डायरेक्ट लिंक। फ्रेंड्स आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और भी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, वहां पर काफी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिएगा, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, कोई भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी बाउंड टेंशन नहीं है। फ्रेंड्स इसी के साथ फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।